भूख तुखार व्यापे कंठ मिलिया हर नाम मन बेदया चरणार बिन दर्शन लगड़ा साओ ओट गोविंद गोपाल राय सेवा स्वामी लाओ बिखिया को है न सकई मिल साधु गुण गाओ जहते उपजी तह मिली सची प्रीत सभाओ कर गए लीनी पार ब्रह्म बहुल छड़िया बार जाम लग देरिया हर सज्जन अगम अगाओ सर्व पही नारायण नानक दर पैया भूख सुहंदा सर्व सुख जिस बक्से वे परवाह हो पौधा महीना तुखार कक्कर बर्फ पाला माज राग दे राही गुरु अर्जन देव जी महाराज दा बारामा नामक बाणी द्वारा ये उपदेश जिन्हां दे कंठ दे परमात्मा दा नाम हुंदा है पौधे महीने दा तुखार कक्कर पाला उन्हां नूं नहीं व्यापदा। दरअसल अत दी गर्मी जिथे मनुख नूं बेचैन कर देंदी है अत दी ठंड मनुख नूं आलसी कर देंदी है दिलबरी बना देंदी है बहुत ठंड है बहुत ठंड है उठन नूं जी नहीं करदा अग कोल बैठे रहिए बिस्तर विच बैठे रहिए कमरे विच बैठे रहिए धुप्पते बैठे रहिए किधरे भी काम करन नूं जी नहीं करदा किधरे भी जान नूं जी नहीं करदा। और इस तरह हड जुड़दे ने शरीर जुड़िया जुड़िया रहिंदा है ठंड का अपना एक असर और जितनी गहरी ठंड होवेगी उतना ही मनुख आलसी हो जाता है दलिद्री हो जाता है और मेला जिहा रहने लग पैंदा है। पर बहुत गर्मी है बहुत गर्मी है तो बेचैन हो जाता है परेशान हो जाता है। हू बहु इस तरह देखने दे चाहे मानसिक मंडल विच भी जिथे क्रोध है और अहंकार है लोभ है बड़ी जालमाना तबीयत है अत दी गर्मी है उत्थे भी दुख ही दुख है। पर जिथे अत दी ठंड है बड़ा गहरा आलस है बहुत गहरी दरिद्री है देखने दे चाहे उत्थे भी दुख है। जीवन विच हरकत चाहिए है ना गर्मी रोके ना ठंड रोके भाव ना जालमाना तबीयत होवे ते ना ही आलस ते दलिदरी होवे। पर की कीता जाए जे बार बहुती ठंड होवे कक्कर पै रही है बर्फ पै रही है सर्द शीत लहर चल रही है ठंडिया हवावां ने ऐसे माहौल विच की करिए। दरअसल विज्ञान ने ते अजे खोज करनी है पर धर्म कहिंदा है जिन्हां दे कंठ दे परमात्मा दा नां होवे इतना उत्साह हुंदा है उन्हां दे अंदर इतनी उमंग आउंदी है कि पौधे महीने दा कक्कर पाला उन्हां दे अंदर आलस नहीं पैदा करदा। परमात्मा दा नाम अनंत गुणा विच इस दैवी गुण नूं भी जो है पैदा कर देंदा है कि मनुख फुर्तीला हो जांदा है चुस्त हो जांदा है आलस दूर हो जाता है आलस छीज गया सब तन दे। या होर पंक्तियां गुरु अर्जन देव जी महाराज दियां महा मोहनी दुध ना लिया गए तेरा आलस कहां गए होए। परमात्मा का नाम ऐसा है वाकई आलस चला जाता है आलस नहीं रहता
दरिद्री नहीं रहती। तो साहब कहना जिन्हां दे कंठ दे परमात्मा दा नाम है, हर वक्त उस दे नाम दा उचारण जिहड़े कंठ करदे ने उन्हां दे अंदर इतनी निघ आ जांदी है कि पोह दे महीने दी तुखार ठंड इकल उन्हां दे अंदर आलस नहीं पैदा करदी। ओख तुकार ना व्या पई कंठ मिलिया हर नाम मन बेदिया चरणार विंद दर्शन लगड़ा सा। जिन्हां दा मन परिपूर्ण परमात्मा दे दर्शना दे चलीन हो गया है और रब्बी गुण हिरदे दे वस गए ने, परमात्मा दे नाम दा स्वाद आन लग गया है, ऐसिया जो जीव स्त्रियां ने ऐसे जो पुरुष ने उन्हां नूं पौधे महीने दी ਇਹ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰਦੀ। ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਓਟ ਗੋਵਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਸੇਵਾ ਸਵਾਮੀ ਲਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਓਟ ਆਸਰਾ ਗੋਵਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਜੋ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੈ ਜੋ ਰਾਏ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਸਦੀ ਹੀ ਓਟ ਤੱਕਦੀਆਂ ਨੇ, उसके आसरे ते ही अपना जीवन बतीत कर दिया ने। दरअसल जीवन लई कोई ना कोई आधार आसरा ओट ते चाहिदा है। देखदे हां दरख्त खड़े ने जमीन दे आसरे ते, उच्चे उच्चे महल खड़े ने बुनियादा दे आसरे ते। देखदे हां रेलां मोटरां गड्डियां चल रही ने गैस पेट्रोल दे आसरे ते। जीवन नूं चलन लई और जीवन विच खुशियां नूं चलण लई जीवन विच आनंद मगनता ए ही चलदी रहे तो कोई ते आधार चाहिदा है, कोई ते टेक चाहिदी है। ये ख्याल ते मनुख दे अंदर है पर मनुख अपना आसरा लभण विच हमेशा ही गलती करदा है। कदी कह देंदा है मां आसरा है, कदी कहिंदा है पिता आसरा है, ये पिता आसरा है, ये पत्नी या पति मेरा आसरा है, ये बच्चे मेरा आसरा ने, ये पड़ोसी ये मित्र मेरा आसरा है। पर ये आसरे आरजी ने वक्ति ने, क्योंकि वो मोते सुख जात हैं हम ओते सुख जात हैं। जिथे असी उन्हां कोल सुख खेड़ा ते खुशियां चाहते हाँ आधार बनाने हाँ उत्थे ओ सानू भी आधार बना के साडे कोल भी खेड़ा ते खुशियां लेना चाहते ने। इस वास्ते संसार दे सारे संबंध नूं इंज आख्या गया है लैण देण दे संबंध। जिथे सुख देना बंद हो जाए सुख लेना भी बंद हो जाता है। जिथे कोई किसे नूं प्रसन्नता देवे ना प्रसन्नता लेनी भी औखी हो जाएगी, कोई किसी नूं इज्जत दे ना इज्जत लेनी भी औखी हो जाएगी। ये ते सारे देन लेन दे संबंध ने। एक संबंध ऐसा है परिपूर्ण परमात्मा का जो देंदा ही है देंदा ही है देंदा ही है, बदले दे कुछ भी नहीं लेंदा। देंदा दे लेंदे थक पाए, वो देंदा देंदा नहीं थकदा, लेंदे लेंदे जीव थक जाते हैं। फिर वो देवाजरा ऐसा है कि वड्डा दाता तिल न तवाए, पहाड़ा जितनिया दाता दे के भी तिल जितनी भी मंग नहीं रखता। नीति अक्सर देखे है तिल जितना परोपकार करके किसे से मनुख पहाड़ा जितना बदले दिस मंगता है, बहुत मंगता है। मैं तेरे नाल ए कीता हुण तू कर, थोड़ा जिहा करके थोड़ा जिहा सुख दे के मनुख दूसरे कोल बहुत वड्डा सुख मंगता है। पर एक परिपूर्ण परमात्मा है इतने खेड़े खुशियां दे के भी बदले दे कुछ मंग नहीं है, दाता है वड्डा दाता तिल ना कमाए। तो जिन्होंने ऐसे परमात्मा की ओट पकड़ी है ऐसे परमात्मा का आसरा पकड़िया है जो सृष्टि का पालनहार है मालिक है सदी भी खेड़े ते खुशियां च रहिंदियां ने। साहब कहिंदे ने उन्हां दे अंदर ये अरदास भी पैदा होती है कि वो जो मालिक है उदी सेवा दे च ही जुड़े रहिए और सेवा दा ही लाभ खटिए आनंद खटिए। ऐसे जो सेवा दे च जुटियां उन प्रभु दी
और उसका ओट आसरा तक के अपना जीवन बतीत कर रही ने। महाराज कहने दिखेया ओहो न सकई मिल साधु गुणवान। उन्होंने विषयां दी जहर नहीं व्यापती, विकारां दी जहर नहीं व्यापती। क्यों? क्योंकि गुरु दी संगत च बैठ के, सत्संग च बैठ के ओ जीव इस्त्रियां परमात्मा दे गुणा दी संभाल कर दिया ने, उदे गुणा नू अपने हिरदे विच वसांदियां ने, और उसका ही केवल आसरा तक के उसनु ही केवल ओट बना के अपना जीवन बतीत कर दिया ने। इस वास्ते विकारां दी जहर उन्हां नू नहीं व्यापती। इस ही आसरा है, इस आसरे नू जद भी कोई अपनी जिंदगी दा आधार ओट बना लैंदा है, ऐसा पुरुष जगत विच कदी भी आसरा नहीं हुंदा। शायद इस वास्ते परमात्मा नू न्यासरिया दा आसरा आख्या गया है। न्योटियां दी ओट, निमाणियां दा मान, नितानियां दा दान। और ये हकीकत है कि जितने चिर तक मनुख छोटे छोटे आसरे और ओट बनाए रखता है, उदे अंदर प्रभु दी ओट दा ख्याल नहीं पैदा हुंदा। तो पातशाह कहंदे ने ए पोह दा महीना, ए कक्कल, ए पाला, ए शीत लहर, ए ठंड, जो लगने मनुख नू आलसी ते दलिद्री बना देंदियां ने। जद कंठ दे परिपूर्ण परमात्मा दा नाम होवे ते उसकी ओट होवे, कोई भी कक्कर, कोई भी पैंदी बर्फ ते शीत लहर उसनु आलसी नहीं बना सकती। वो उद्यमी होवेगा, उत्साही होवेगा और फुर्तीला होवेगा। साहब अगां चल के कहंदे ने जह ते उपजी तह मिली सच्ची प्रीत समा। गुरु दी संगत विच बैठ के प्रभु दे गुण गाउंदिया गाउंदिया ए जी इस्त्री जिथों इसकी उत्पत्ति होई सी उसकी प्रीत करके उसदे विच ही समा गई। जिथों आवना होया सी उसदे च ही समाना नसीब हो गया। कर गए लीली पार ब्रह्म बौर न विछड़िया। कर कर कहंदे ने हथ नूं, परमात्मा ने अपना हथ दे के अपना बना लिया, गले नाल ला लिया और ऐसा मिलाप बख्शिया। हुण मुल्के भी छोड़ा नहीं, जगत विच जितने मिलाप ने आखिर एक ना एक दिन बिछोड़ा हुंदा है। चाहे ए मिलाप पुत्रां दा होवे, मित्रां दा होवे, मां बाप दा होवे, भरावां दा होवे, पड़ोसियां दा होवे, गहरे तो गहरे सजणां दा होवे, एक दिन विछोड़े दा दुख देखना ही पैंदा है। या ते जीवदिया जी ए विछोड़ा हो जांदा है या फिर मर के विछोड़ा हो जांदा है। सारियां तो ही मनुख टुट जांदा है, पर ए प्रभु दा मिलाप जो ओ आप बांह पकड़ के करांदा है अपना मिलाप, विछोड़े दा दुख इस मिले हुए नूं भोगना नहीं पैंदा। सतगुरु दी बाणी दा भी फैसला, मिलिया होए न विछड़े जे मिलिया। एक दफा जे ए मिल जाए फिर बिछोड़ा नहीं, फिर टूटना नहीं। तो साहिब फरमान करदे ने जह ते उपजी तह मिली सच्ची प्रीत समाओ, कर गए नीनी पार ब्रह्म बहुर न विछड़िया। बार जाओ लख देरिया हर सज्जन अगम अगाओ। ओ परिपूर्ण परमात्मा अगम है, सदी सोच तो परे है, सदे विचारां तो परे है, सदे इंद्रियां दी शक्ति तो परे है, ते सदी पकड़ तो भी परे है। सहन कहंदे ने जीव स्त्री प्रभु दे गुणां नूं गाउंदियां गाउंदियां जब प्रभावित होंदी है, ये महानता उसकी उसके सामने उजागर होंदी है और उसके अंदर ऐसे ख्याल पैदा होंदे ने मैं लखां दफा सदके जांदी हां ऐसे परमात्मा तो, मैं बार बार निछावर घोल घोल जांदी हां, मैं कुर्बान होंदी हां ऐसे परमात्मा तो, भावे वो मेरी पकड़ दे च नहीं, भावे वो मेरी पहुंच तो परे है, भावे वो मेरी सोच तो परे है, फिर भी मैं तो परे नहीं, फिर भी मेरे कोल है। हां मेरे रोम रोम विच है, मेरी सोच तो परे है, मेरे कण कण विच रमिया होया है, पर मेरी पकड़ तो परे है। ये इस तरह है कि सूरज की एक किरण मैनू छू रही है, फिर भी सूरज की पकड़ बहुत दूर है, मेरे हाथों च सूरज नहीं है।
भावे उस दिया किरना मेनू छू रही ने, सूरज दिया किरना करके मैं जी रहा, सूरज दिया किरना ही मेरी पालना कर रही ने, फिर भी मेरी हथां विच सूरज नहीं है, मेरे कोल होंदे होया भी और मेरी पकड़ विच नहीं है, मेरी पहुंच विच नहीं है। इस तरह परमात्मा रोम रोम विच है, उस तो बिना सी हो ही नहीं सकते। अगर सूरज ठंडा पै जाए तो सब कुछ ठंडा पै जाएगा, अगर ईश्वर नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। ईश्वर करके ही असी हाँ, और वो साडे कोल है, रोम रोम विच है, फिर भी साडी पकड़ तो परे, सड़ी पहुंच तो परे, सड़ी सोच तो परे। साहिब कहंदे ने ऐसा जो परिपूर्ण परमात्मा है, असी बार बार उस तो सदके जाने हां, कुर्बान जाने हां। बार जाओ लख बेरिया, हर सज्जन अगम अगाओ, सरम पई नारायण नानक दर पईआ। इस तरह जोदड़ी करदी होई जिहड़ी जीव स्त्री परमात्मा दे दर ते डह पैंदी है, कहने परमात्मा शरण पालक है, फिर परमात्मा शरण आए हुए दी रखता है। और ऐसा जो जोदड़ी करदा होया दर ते डहते है, समझ लो परमात्मा ने उसनु मालिक बना दिता है, सिंहासन ते बिठा दिता है, उसनु अपना बना दिता है, वो शर्म पै दी रखता है। पोक सुहंदा सर्व सुख, जिस बक्से वे प्रभाव। ओ दे महीने दा ए उपदेश संदेश, सारे सुख उसकी झोली समझ लो, जिस दे उते ओ बेपरवाह परिपूर्ण परमात्मा बख्शिश कर देवे। अनेकां गुणां विच परमात्मा दा एक ए भी गुण है, बेपरवाह। ते जद कोई उस बेपरवाह नाल जुड़दा है, आप भी बेपरवाह हो जांदा है। बेपरवाह सदा रंग हर के जांको पाक स्वामी, किसी दे दबाव हेठ आके हसना ए बेपरवाही दा हसना नहीं है। किसी दी लोड़ पूरी करन वास्ते रो पैना ए बेपरवाही दा रोना नहीं है। जैसे किसे मर्ग वाले घर दे चले गए, बहुत सारे रोंदे पै सन, ते उत्थे मुंह निकल गया, सुभाव की कह दिता सानू बहुत अफसोस होया, माड़े जिया नेत्र भी सज्जल होए, पर ये दूजिया करके, ये दूजिया दा प्रवाह है, ये बेपरवाही दे हंजू नहीं ने। और दूजे दा मुंह लिहाज रख के एवं बनावटी खुशी ते बनावटी हासा जाहिर करना, ये बेपरवाही दा हासा नहीं है। जिहड़ा संत है, जो उस बेपरवाह परमात्मा नाल जुड़िया होया है, ओदा हासा भी बेपरवाही दा, ओदा रोना भी बेपरवाही दा, ओदी खामोशी विच भी बेपरवाही। रंग हसे रंग रोवे, चुप भी कर जाए, परवाह नाही किसे केरी, बाज सच्चे ना है। तो साहिब कहने ए महीना ओदा सारे दा सारा सुखां दा उसका बतीत हो जांदा है, जिसनू ओ बेपरवाह परमात्मा अपने गुणा दी बख्शिश झोली विच पा देंदा है। भूख तुखार पड़े, वन तृण रस सोखे, आवरे नाही मन तन वसे मुखे, मन तन रवड़िया जग जीवन, गुर सब दी रंग माणी, अंडज जेरत से तज उत्बुज, घट घट जोत समाणी। दर्शन देहो दयापत दाते, गत पाओ मत देहो, नानक रंग रवे रस रसिया, हर स्यों प्रीत स्नेहो। तुखारी बारामा धन गुरु नानक देव जी महाराज का अमर वचन। आप कहंदे ने तुखार बर्फ कक्कर पाला पै रहा है पोह दे महीने विच, वन तृण रस हो के जंगल विच बनस्पति दे घास सुकने शुरू हो गए, उपर बर्फ पै गई, बर्फ नाल भी बनस्पति सड़ दी है, गल दी है। ऐसा ही नहीं कि अत दी गर्मी जद लू चले
ते वनस्पति सुख दिए सर्दी है अत दी बर्फ पै जाए तामी सुख दिए ते सर्दी है दोहां हालतां दे समान अवस्था चाहिए दिए वनस्पति नो खिड़न लई हो बहो मन दी भी यही हालत है अत दी ठंड अत दा आलस मनुख नो सुका के रख देंदा है जीवन दे हर पासों गति रोक के रख देंदा है और उन्नत होना उसले कठिन हो जाता है। गुरु नानक देव जी महाराज इस देते बहुत सुंदर उदाहरण देंदे ने कि जितने तिनके ने घास फूस वनस्पति इते सुकनी शुरू हो गई क्योंकि बर्फ पै गई ते बर्फ नाल उन्हों दा पुंगरना वधना फुलना रुक गया अत दी ठंड वाकई इतना आलसी बना देंदी है कि उस लई वधना फुलना भजना दौड़ना कुछ करना इस सारे दा सारा रुक जांदा है। साहिब कहिंदे पोह दे महीने दा ए प्रताप पोक दे महीने दा ए असर पोख तुखार पड़े वनतन रस सोखे आवत की नाही मन तन वसे मुखे जीव कामन जे किधरे इस ढंग दी अरदास करे हे परमात्मा तू आमदा क्यों नहीं तेरी आमद दी कोई निग मेरा आलस दूर करे मेरे इस फुर्तीलापन पैदा करे मैं बेपरवाह होवां मैं अमृत वेले उठ सका मैं गुणा नु संग्रह कर सका तू आमदा क्यों नहीं आवत की नाही मन तन वसे मुखे तू मन विच वस तन विच वस मुख विच वस इस निग दे नाल पोक दे महीने दी जो ए सीत लहर है ए जो कक्कर ते पाला है ए नहीं व्यापेगा जो ख्याल माज राग विच धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने दिता है तुखारी राग विच पहले ही पहले पातशाह ने साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने बख्शिश कीता होया है। वाकई जद मन विच ओ वसदा है तो तन विच भी वस जांदा है जैसे मन विच उसकी याद वसदी है तन सेवा करन लग पैंदा है आलस दूर हो जांदा है और जैसे उसके गुण मन नूं प्रभावित करदे ने रसना वाहेगुरु जपन लग पैंदी है अभ्यासी दी ए पहचान है कि उदा तन सेवा विच लीन है उदा मन याद विच लीन है उदी रसना जाप विच लीन है बस यही पहचान है रसना जपरी जाए तन सेवा करदा जाए और मन उसकी याद विच जो है लीन होवे तो साहब ऐसा पै फरमान कर देने आवत की नाही मन तन वसे ए परिपूर्ण परमात्मा तू आमदा क्यों नहीं मन विच वस तन विच वस मुख विच वस ताकि इस वसन दे नाल मैनू निगदी प्राप्ति होवे और ए आलस जो कक्कर करके है बर्फ करके है सीत लहर करके है ए दूर होवे। समान अवस्था ही दरअसल सुखदाई है अति सर्वत्र विवर्जते साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज दा वाक अति हूं धक्का खाए जीवन दे जिस पक दे भी जदों कदी मनुख अत करदा है धक्के खांदा है रस आनंद समान अवस्था दे चाहे मद दे चाहे सहज दे चाहे तो साहिब ऐसा ही जो है इत्थे फरमान पे कर देन अत दी ठंड अत दा आलस किवें दूर होवे इस सीत लहर उदों जो है करन नूं रोकदी पई है ए बर्फ जीवन दी सारी हरकत नूं रोकी बैठी है और वनस्पति दा फुलना वधना हरा होना औखा होंदा जा रहा है जीवन दी हरियावली दा पैदा करना कठिन होंदा जा रहा है तो की करिए साहिब कहिंदे ने इंज फरियाद कर हे प्रभु तू मेरे मन विच क्यों नहीं वसदा तू मेरे तन विच क्यों नहीं वसदा तू मेरे मुख विच क्यों नहीं वसदा इस तरह की जड़ी मंग ते चाहत है अगर कोई उस ठंडे महीने विच भी करे तो उसका मुख उच्चारण करन लग पड़ेगा मन विच प्रभु वस जाएगा तन सेवा विच लीन हो जाएगा इस तरह की निग दी प्राप्ति होंदिया ही पोह दे महीने दी जो ए रोक है उस लई ए रोक साबित नहीं होवेगी आवत की नाही मन तन वसे मुखे
मन तन रव रहा जग जीवन गुर सबदी रंग माणी। सहज ने गुरु दे शब्द दे मिलाप दे द्वारा जीव स्त्री मन ते तन विच परिपूर्ण परमात्मा नु वसा के रंग माण दी है। ओ जो जगत दा जीवन है किसे एक दा जीवन नहीं। आम जगत विच कहावत है फलाना ते मेरा जीवन है फलाना ते मेरी जान है। कहावत है सच नहीं है हकीकत नहीं है। चलो जे किधर मन भी लईए फलाना ते मेरी जान है पर सिर्फ उसकी जान हो सकता है जगत भी नहीं सारे संसार भी नहीं सारी मखलूक भी नहीं अवल ते कोई किसी भी जान नहीं। बड़ा आशकी मिजाजी उस दिच ए परचल तो वाक भी मेरी जान फलाना ते मेरी जान है मेरे प्राण है नहीं। जगत दा जीवन जगत दी जान जगत दे प्राण केवल परिपूर्ण परमात्मा है। सारिया दी ओ जिंद जान है सारिया दी ओ प्राण है पर कमाल दी गल जो सारिया दी जान है उसनु कोई भी ऐसा काटी आखदा है हे प्रभु तू मेरे प्राण है तू मेरी जान है लेकिन उन्होंने ये कहना फिरदा है ए मेरी जान जबकि उसकी जान है ही नहीं उसके प्राण तो है ही नहीं। तो साहिब फरमान ते कर देने ओ जो जगत का जीवन है गुरु शब्द दे जाप द्वारा जगत दे जीवन का जीव रूपी स्त्री आनंद मानती है और उसके मन ते तन विच उसका बकायदा छाप रहती है उसके मन दे बकायदा उस परिपूर्ण परमात्मा का प्रभाव रहिंदा है। ऐसी उसकी तर्ज जिंदगी बन जाती है। अंडज जेवज सेतज उद्भुज घट घट जोत समान चार खानियां ने जिथों जीवन उत्पन्न होता है। सब तो वड्डी खान है अंडे दूजी खान है जेर पेट तीजी खान है उद्भुज और चौथी है सेतज पसीने तो पैदा होना। ये जीवन असी पृथ्वी से देख रहे हैं ये चार खानिया द्वारा ही जगत दे जो है प्रचलित होता है। जीव इन्हां दे राही बाहर आते ने कुछ अंडिया राही कुछ पेट राही कुछ पसीने ते मैल दे राही ते कुछ धरती दे चों उत्पन्न होती है जैसे कि वनस्पति। अंडज जेरज सेतज उद्भुज घट घट जोत समाणी शब्द का रंग मानदिया मानदिया जीव रूपी स्त्री ने समझ पै जाती है हे परिपूर्ण परमात्मा अंडिया दे जो जीवन है उस दे भी तेरा ही जीवन है पेट के अंदर जो जीवन है उसके अंदर भी तेरा ही जीवन है पसीने के मैल दे जो जीवन बनता है उसके भी तेरा ही जीवन है और वनस्पति दे भी तू रमिया होया है। चारे खानिया दे विच हे परिपूर्ण परमात्मा तेरी ही लीनता है। अंडज जेरज सेतज उद्भुज घटगढ़ जोत समाणी दर्शन देव दयापत दाते गत पाओ मत देव। इस तरह इस ठंडे महीने विच जिस विच भयंकर कक्कर बर्फ ते शीत लहर चल रही है अगर जीव रूपी इस तरह की अरदास करे दर्शन देहो दया पत दाते गत पावो मत देहो हे परिपूर्ण परमात्मा तू मत दे ऐसी कि तेनू सोचा ते तेरे दर्शन दी तांग अंदर पैदा होवे मैं ऐसी चाहत अपनी मत दे अंदर पैदा कर सका हे प्रभु ऐसी मत दे ऐसी सोचनी दे ताकि ए महीना मेरा सुखा दा बतीत होवे। परिपूर्ण परमात्मा हे दया दे घर हे दया दे सागर तू रहमत कर बख्शिश कर ऐसी मत दे मैं तेनु सोचा मैं तेनु याद करा मैं तेरी मंग करा मैं तेरे दर्शना दी लोच दे जिंदगी बतीत करा। नानक रंग रवे रस रसिया अरसो प्रीत स्नेहो पोख दे महीने विच जीव रूपी स्त्री इसे रंग विच रंगी जाए तो सारा महीना आनंदमयी बतीत होता है।